एक्टर लाइव टीवी सच सबसे आगे नमस्कार आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान उत्तर प्रदेश से एक हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ अक्सर अपराध की खबरें सामने आती हैं हेट स्पीच और हेट क्राइम के जो मामले हैं वो सामने आते रहते हैं लेकिन इस बार तो एक इमाम को कुछ हिंदू लोगों ने तमंचा तान कर, उन पर तबंचा तानकर कर उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए जब इसका विरोध उन्होंने किया इमाम साहब ने जब इसका विरोध किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई और उनके साथ मारपीट भी पी की गई पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो जब इमाम साहब पुलिस के पास पहुंचे शिकायत लेकर तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उसके बाद इमाम साहब एसपी के पास पहुंचे उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की पूरे मामले पर तीन लोगों पर केस दर्ज कर लिया है दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है एक अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है तो उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि किस तरह से कभी तो हिंदू संगठन के लोग जबरन आ, मुस्लिम दुकानों में मुस्लिम होटल्स रेस्ट्रों में घुस जाते हैं चेकिंग करते हैं होटल्स बंद करवा देते हैं तो फिर कभी जो हैं वो इमाम साहब को ही पकड़कर उनसे जय श्री राम के नारे लगवाते हैं ये उत्तर प्रदेश का हाल है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था तो आप सभी जानते हैं लेकिन इस तरह के लोगों के ऊपर ना ही किसी का डर है ना ही इन्हें किसी चीज से डर लगता है इन लोगों को शय कौन देता है यह अब तक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है पूरा मामला आपके सामने रखते हैं मुस्लिम स्पेस का ट्वीट आप अप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं पूरे मामले की जानकारी देते हुए यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश बागपत में बाग, बाग, बागपत का यह मामला है बागपत में इमाम से जबरन लगवाए जय श्री राम के नारे जान से मारने की धमकी भी दी जब इमाम साहब ने इसका विरोध किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो ऐसा मत करो तो उन्होंने उन्हें, उन्हें उनके साथ मारपीट भी की और जान से मारने की धमकी भी दी यही नहीं तमंचा ताम कर हिंदुस्तान जिंदाबाद जय श्री राम के नारे भी लगवाएं आगे देखिए लिखा है कि तमंचा तानकर पहले तो हिंदुस्तान जिंदाबाद और फिर जय श्री राम के नारे लगाने का दबाव बनाया मुजीबुररहमान के गले में गमछा डालकर जबरन जय श्री राम के नारे लग नारे लगवाने लगे पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है हालांकि पहले पुलिस ने कार्रवाई नहीं की लेकिन जब वो एसपी के पास पहुंचे वहां शिकायत की तब पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में ऐसा ही एक मामला देखने को मिला था जिसमें पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठे थे और अब भी आप एक और मामला देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है सरेआम तबंचा तान करके जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं विरोध करने पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही ये कौन लोग हैं इनके पीछे आ, कौन सी ताकतें हैं इन्हें किसका शय है और ये किसकी शय पर इस तरह से गुंडागर्दी करते हैं अब आप, आपको अमर उजाला की खबर दिखाते हैं अमर उजाला की खबर में क्या कुछ जानकारी दी है विस्तार से पूरा मामला बताया गया है पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की है उसे लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं यहाँ लिखा है, है हेडलाइन में देखिए लिखा है कि यूपी तमंचा तानकर लगवाए जय श्री राम किनारे गले में भगवा गमछा डाल पीटा मस्जिद से घर लौट रहा था शहर काजी का बेटा यहाँ पर इमाम साहब जो है वो मस्जिद से घर लौट रहे थे नमाज अदा करके और उस दौरान कुछ लोगों ने उनको पकड़ा और तमंचा उनके ऊपर टान कर उनसे जय श्री राम के नारे लगाए उनके गले में भगवा गमछा डाल दिया विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई लिखा है बागपत में एक बार फिर से माहौल खराब करने की कोशिश की गई है शेर काजी के बेटे पर तमंचा टान कर जय श्री राम के नारे लगवाए विरोध करने पर पीटा और जान से मारने की धमकी भी दे डाली तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों के गुंडागर्दी जो गुंडागर्द फैला रहे हैं उनके हौसले किस तरह से आसमान पर हैं, यह भी आप देख रहे हैं कहने को तो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी जो हैं वो प्रदेश छोड़कर के भाग गए हैं अपराधी गले में तख्तियां डाल करके घूमते हैं अपराध का कोई नामो निशान ही उत्तर प्रदेश में नहीं है लेकिन एक के बाद एक तस्वीरें आती हैं जो इस तरह के सभी दावों को खारिज कर देती हैं आगे लिखा है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक बार फिर से माहौल खराब करने की कोशिश की गई सवाल उठ रहा है कि आखिर अब कहाँ गए वो पुलिस अफसर जो हर नागरिक की सुरक्षा की सुरक्षा का दावा करते हैं या फिर यूं कहें कि मुसलमान है इसलिए इनकी सुरक्षा का दावा ये नहीं करते आगे देखिए लिखा है मस्जिद में नमाज अदा कर कराकर लौट रहे शहर काजी के बेटे को कुछ युवकों ने रोक लिया इसके बाद उन्होंने शहर काजी के बेटे पर तमंचा तान दिया और उनसे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए इतना ही नहीं उसके गले में भगवा पट्टा डाल दिया पीड़ित युवक ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट भी की गई और जान से मारने की धमकी भी दे डाली पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है साथ ही दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक इस तरह के मामले आ रहे हैं जो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करते हैं वोट लेने के लिए तो इन्हें मुसलमान याद आ जाते हैं तब ये मुसलमानों की मस्जिदों में जाते हैं मदरसे में जाते हैं उनसे मुलाकात करते हैं उनके घर जाते हैं लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है सबके साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात आती है तब ये लोग गायब हो जाते हैं। आगे लिखा है शेर काजी हबीबुर का मस्जिद में, में, कर में भगवा युवकों ने उसे रास्ते में रोक लिया और उसके बाद उसके साथ गाली गलोच करने लगे मारपीट भी की गई जब विरोध किया तो जान से मारने की धमकी दे डाली आगे लिखा इसके बाद तमंचा तान कर पहले तो उनसे हिंदुस्तान जिंदाबाद किनारे लगवाए और फिर उनसे जय श्री राम के नारे लगाने का दबाव बनाया उनसे जय श्री राम के नारे लगाने से मना किया तो उनकी पिटाई की और जान से मारने की धमकी भी दी उनके गले में गमछा डालकर जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए हंगामा होने पर तीनों युवक धमकी देते हुए वहां से भाग गए वहीं इस मामले में थाना पुलिस ने कार्रवाई नहीं की इसके बाद पीड़ित ने एस पी से शिकायत की एस से शिकायत होने के बाद थाना पुलिस हरकत में आ गई और तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है अभी एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है तो ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बागपत से सामने आ रहा है बागपत में एक इमाम के ऊपर तबंचा तान करके दो हिंदू लोगों ने किस तरह से उन्हें जान से मारने की धमकी दी डराया धमकाया जय श्री राम के जबरदस्ती नारे लगवाए इसका पूरा मामला जो है वो सामने आया है जब वो शिकायत करने पहुंचे तो पुलिस ने कोई शिकायत भी नहीं कही इस बात से साफ पता लगता है कि ऐसे लोगों का किसका संरक्षण प्राप्त है इन्हें इसलिए डर नहीं लगता क्योंकि इन्हें पता है कि पुलिस तो कोई कार्रवाई करेगी ही नहीं और ये आसानी से वहां से बच के निकल जाएंगे और फिर कोई दूसरी हरकत इस तरह की करेंगे इसी के साथ आगे लिखा है कि पहले भी इस तरह का मामला जो है वो हो चुका है माहौल बिगाड़ने के लिए और पर भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे लिखा है बागपत जिले में असामाजिक तत्वों ने कुछ दिन पहले भी माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था जिसमें शुगर मिल परिसर में पीर पर भगवा रंग की पुताई कर दी थी इसमें पुलिस ने पंद्रह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय पूरा मामला दबाने का प्रयास किया वहीं पीड़ित ने एसपी से शिकायत की तो एसपी ने कोतवाली पुलिस को फटकार लगाई इसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और मुकदमा दर्ज किया यानी कि उत्तर प्रदेश के बागपत में जब जैसे ये मामला समझ में आ रहा है उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस जो है वो पीड़ित के शिकायत करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं करती जब पीड़ित एसपी के पास जाता है एसपी पुलिस वालों को फटकार लगाता है तब जाके पुलिस वाले जो हैं वो आनन फनन में कार्रवाई करते हैं और उसके बाद ये जो है इस तरह से लोगों पर मामले दर्ज किए जाते हैं क्योंकि पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है पुलिस उन लोगों को पकड़ने की बजाय इस तरह के मामलों को रोकने की बजाय आराम से हाथ पे हाथ धरकर बैठी रहती है और यही वजह है कि इन इस तरह के लोग इस तरह के गुंडों के जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद हो रहे हैं आगे लिखा है शहर काजी के बेटे से जय श्री राम के नारे लगाने के मामले में मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तीसरे आरोपी की तलाश में दबिश की जा रही है एस एस बागपत मनीष मिश्रा का यह बयान है तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है जब वोट आते हैं तो इन्हें मुसलमान याद आ जाते हैं लेकिन जब चुनाव चले जाते हैं तब मुसलमान इनके लिए कोई मायने नहीं रखते और किस तरह से सरेआम जो हैं मुसलमानों को धमकियां दी जा रही हैं जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं मना करने पर विरोध करने पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं इस तरह के मामले जो हैं वो अब लगातार सामने आ रहे हैं और अब बढ़ते ही जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में पिछले ही दिनों हमने देखा कि सावन के मौके पर जब एक कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग बजरंग दल संगठन के लोग जो हैं वो एक मीट शॉप में घुसते हैं गोश्त की दुकान पर घुसते हैं और वहाँ पर बाकायदा कहते हैं कि सावन के वक्त पर अगर

से इमाम साहब के साथ जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए गए उन्हें जान समारने की धमकी दी गई इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दे द लाइव टीवी सच सबसे आगे